साधना करने लगा। पर्यंत दो वर्ष तक करता रहा, मार्ग नहीं मिला। जिज्ञासा ज्योति ज्यों की त्यों बनी रही। कोई विशेष लाभ ना हुआ। इस कारण किस विशेष लाभ ना होने के कारण उस साधक के चिदाकाश में अंतःकरण में निराशा निशा का अंधकार फैलने लगा। उसका मन उकता गया, चित उचट गया और धीरे 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 धैर्य धरनी पर से उसकी धारणा तथा विश्वास के पांव डगमगाने लगे। विश्वास डोलने लगा। अंत में वह उस जाप को विसर्जन करने के लिए उद्यत हो गया। मैं नहीं जपूंगा, लाभ नहीं हो रहा, त्याग दिया। अब सरयू के किनारे ही वह प्रतिदिन भ्रमण किया करता, तो वहीं पर मुनि का मिलाप हुआ था और वहीं पर मुनि ने उसका मुख मंडल देखकर उसे आदेश किया था कि तू जाप करा। मान ली दो वर्षों के लाभ नहीं हुआ, डामाडोल हो गया। ऐसी अवस्था में एकदा उसे वही जापदाता मुनि सरयू के किनारे घूमता हुआ दृष्टिगोचर हुआ। वह भक्त दौड़कर अपने गुरु के पैरों पर जा पड़ा और गदगद होकर बोला, महात्मन दो वर्ष बीत गए परंतु मुझे सफलता ना मिली और मुझ में आत्म ज्योति ना जगी। अब मैं निराश होकर थक गया हूं, दया कीजिए, मैं डामाडोल हो रहा हूं। इस डामाडोल जन को बाह पकड़कर उस परम जगत के ईश जगदीश के मंदिर वह ब्रह्म क्या मुझे स्वयं ले चलिए। मेरे जो जितने प्रयत्न करने थे कर लिए, अब आपकी कृपा के अतिरिक्त और कोई साधन साथ नहीं बचा। गुरुदेव ने आदेश किया था, उसका कोई कारण होगा। साधना करवाई दो वर्ष पर्यंत और राम नाम जपा हुआ, कदापि व्यर्थ नहीं जाता। जो प्रारब्ध जो कठिनाइयां सामने आनी थी, जो व्याकुलता जीवन में आनी थी, वह साधना की अवस्था में उसको व्याकुलता होने लगी। जो व्याकुलता हुई अब प्रारब्ध कर्म के कारण नहीं, साधना करते हुए भी गुरु महाराज ने स्वयं कहा है, नाम जाप करने वाले के सम्मुख जो बाधा विघ्न आते हैं वह 100 पैसे में 1 पैसा बनकर उसके सम्मुख आते हैं और निकल जाते हैं। बाह पकड़कर आप उस जगदीश के मंदिर स्वयं ले चलिए। आपके बिना
इस जन का सहारा और कोई नहीं है, आपके बिना हम आए कहां के ऐसे धनी जो उन बिन काम चला लेंगे। गुरुदेव के बिना इतना धनवान तो नहीं हुआ। यहां धन दोनों शब्द अर्थ में महल माड़ियां धन दौलत और एक तो धन है सोना चांदी और एक धन पाथे साथ नाम ले जाइए नाम का धन। ना तो इतना धन दौलत है कि एक पल आयु का खरीद लिया जाए, ना इतना धन है कि अपने बल पर आत्मा को उस धाम में स्थापित कर दिया जाए। तभी कहा है तीन लोग नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, कर्ता करे ना कर सके दो वर्ष हो गए, कर्ता करे ना कर सके गुरु करे सो हो। फिर नाम भी जपा, गुरु महाराज ने राम नाम की महिमा अमृतवाणी में गाई है, परंतु ये सब करने के पश्चात गुरु की आवश्यकता फिर भी हो गई। जिस प्रकार बाजार से इंजीनियरिंग की बुक्स खरीद लो इंजीनियर नहीं बन जाओगे। आपके बिना इस जन का सहारा और कोई नहीं है। अब मैं आपकी चरण शरण में पड़ा हुआ इस गिरे जन को शब्द अर्थ बहुत सरल लगते होंगे, उसकी जिज्ञासा साधक की विनम्रता साधक के अंदर वह विश्वास अपने गुरु के लिए इस गिरे जन को बहुत उत्कृष्ट। महाराज स्वामी जी महाराज की वाणी अगर इस पर मनन किया जाए चिंतन किया जाए एक एक शब्द भीतर को रोंगटे खड़े करने वाला है। सब कुछ कह दिया एक शब्द के साथ, अपने आप को सम्मुख पूर्ण समर्पण कर दिया इस गिरे जन को। आप स्वयं ही उठाइए और मार्ग पर लगाइए। मुनि ने उसको प्रेम भाव भरे हाथों से उठाकर बिठाया और कहा, गीता का जो सिद्धांत है ना, बार बार नमस्कार पूर्वक विनय से महापुरुषों के सम्मुख जाकर विनम्रता से आदर से सेवा से उनसे जानने की आवश्यकता कर, वह इतने कृपालु हैं दयालु हैं तुझे वह उपदेश देंगे जिससे जन्म जन्मांतरों की संपत्ति तुझे प्राप्त होगी। इस पथ पर चलने के लिए विनय नम्रता जिज्ञासा ही साधन हो सकता है, इसी के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और इसी के द्वारा वह मार्ग पर चला जाया करता है और कोई भी साधन नहीं संभव हो सकता। मुनि ने
उसकी जिज्ञासा, उसकी उत्कंठा को देखकर। अब मैं आपकी चरण शरण में पड़ा हुआ हूं, इस गिरे जन को आप स्वयं ही उठाइए और मार्ग पर लगाइए। मुनि ने उसको प्रेम भाव भरे हाथों से उठाकर बिठाया और कहा, प्यारे तू अनंत काल से संसार में चक्कर लगाता चला आया है, एक एक शब्द की ओर ध्यान देना, क्योंकि गुरुदेव ने उस व्यापारी को आदेश किया था कि तू नाम का जाप किया कर। उसने आदेश का पालन किया। दो वर्ष के बाद जब उसने विनम्रता पूर्वक आकर गुरु से ये अपनी अवस्था का वर्णन किया, अब गुरु उसके सम्मुख उसके पुरातन जीवन के भेद उसके सम्मुख वर्णन कर रहे हैं। प्यारे प्यारे, सब संप्रदायिक धर्मों का त्याग कर एक मेरी ही शरण में तू आ जा, तू मुझे प्रिय है। प्यारे तू अनंत काल से संसार में चक्कर लगाता चला आया है, यह अवसर ये मानव दे, यह अवसर ये मानव दे, और जो तुझे मंत्र तेरा इष्ट तुझे दिया गया है, नाम जाप का साधन जो दिया गया है, ये स्वअवसर हर एक को मानव जन्म प्राप्त करके ये नाम नहीं मिलता, ये अहो भाग्य स्वअवसर जिसके भाग्य उदय हो आते हैं उसको ये मार्ग मिलता है। यह अवसर तो काल की सीमा से पार हो जाने का आ गया है। काल की सीमा, ये कष्ट, ये दुख, ये क्लेश, ये काल में ये जो बीत रहे हैं इससे पार होने का समय आ गया है। घबरा नहीं, भरोसा रख, देव अधिदेव सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु वो एक को नहीं उठाता, उसकी बाजू सहस्त्र बाहु। वह भगवान जो भी कोई उसके सम्मुख, जो गुरु महाराज हाथ ऊपर करके राम नाम की धुन में जैसे बालक मां से पुकार करता है, मुझे उठा ले, यह अवसर तो काल की सीमा से पार हो जाने का आ गया है। घबरा नहीं, भरोसा रख, सहस्त्र बाहु भगवान अवश्य में तुझे उठाएगा, अवश्य तुझे अपनी गोद में लेगा और तेरी डगमगाती विश्वास नौका को किनारे लगाएगा। यहां पर गुरु का गौरव कहीं नहीं कि मैं तेरी सहायता करूंगा, सब कुछ जानते हैं, नाम जाप का आदेश भी कर दिया, ये भी बता दिया तू अब से नहीं अनंत काल से भटका हुआ है, परंतु अब तेरा समय आ गया, यहां पर भी भगवान तुझे अवश्य उठा लेगा, तेरी मंजिल वह है, तू उसके धाम का विश्वासी बना रह, तू उसके धाम का विश्वासी बना रह। हरि पापों को हरने वाला राम, हरि नाम पर निश्चय कर, निश्चय डावाडोल नहीं होने देना, आशा की तार ना तोड़ और श्रद्धा से
जब करता चला जाए, तब गुरु महाराज ने, क्योंकि डामांडोल है, जब बच्चा भी डामांडोल हो जाता है तो मां अपने साथ सुला लेती है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, व्याकुल हो, मां भी कहती है तुम मेरे पास आ जा, मेरे साथ सो। जब बच्चे को देखती है कि अब ये बहुत व्याकुल है, और मां परमात्मा का ही रूप है, उसका मधुर हाथ जब शीश पर होता है, सभी चिंताएं, चंचलताएं और व्याकुलताएं सब दूर हो जाती है। गुरु महाराज ने उसे कहा, देख यहां से आद कोस पर मेरी कुटिया है, वहां प्रतिदिन सवेरे आकर मेरे समीप बैठकर जाप किया कर। गुरु, आवश्यकता कैसे पड़ती है, दो वर्ष पर्यंत हो गए जाप करते हुए, लाभ नहीं हो रहा। देख यहां से आद कोस पर मेरी कुटिया है, वहां पर प्रतिदिन सवेरे आकर मेरे समीप बैठकर जाप किया कर, तेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। डंके की चोट से कह दिया, तेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। साधु कहे सह स्वभाव, साधु दा कहा वृथा ना जाओ, समय पूरा हो चुका है, अगली बार इस प्रसंग को कल बोलेंगे। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्ति